नमः शिवलिंगाय नमः यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम् नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः क्षणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण
स्वकृत पुरे स्वमीश्व बहिरंतर संवरणम् तव पुरुषं वदन्त्यखिल शक्तिदिदं धृतं शक्तितम् इति निगतिं विविच्य कवयो निगमावपनं भवत उपासतेऽङ्घ्रिमभवं भुवि विश्वसित अपि च कुतोऽन्वयम् आशङ्का स्याद् भगवतो देहादुपाधिकृदोषप्रसङ्ग इति यतो विद्या कामकर्मभिः संसर्तो जीवस्यापि भगवद्भावं लक्षणया बोधयन्तः तं दोषं निषेधयन्ति स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः तत्त्वमसीत्यद्या श्रुतयः ननु कृत्वर्थस्य आत्मनस्तुतिः इयम् ईश्वरत्वेन क्रियते न तु तस्य ईश्वरत्वं बोध्यते नैतद्युध्यते यतः तत्र यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ नारायण दराज उल्टे लगा है नहीं सीधे हम ही उल्टे बैठे होंगे समुपस्थित समादरणीय संत वृंद विद्वद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति अभी हमने श्री श्याम नारायण द्विवेदी जी महाभाग के मुखारविंद से रस रहस्य पूर्ण श्री रामकृष्ण के दिव्य चरित का श्रवण किया। श्री अयोध्या से आप पधारे हैं, जल विभाग के मान्य इंजीनियर रहे हैं, LLB भी हैं और श्रीमद् भागवत तथा श्री रामचरित मानस के मान्य कथावाचकों में भी आपकी गणना है। बचपन से आपने संतों का रामायण और श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ मनीषियों का सत्संग भी प्राप्त किया है। श्री अयोध्या जी में निवास करते हुए भगवान रामलला यथाशीघ्र अपने भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हों, इस पर आपकी दृष्टि है। जो भी गतिविधि शासन तंत्र न्याय तंत्र संत तंत्र के द्वारा चल रही है उसकी समीक्षा भी आप सूक्ष्म दृष्टि से कर रहे हैं और लांछित ढांचा जिस दिन गिरा था दैवयोग से आप उस कार्यक्रम में सम्मिलित थे। इसका अर्थ है केवल तटस्थता नहीं, इस अभियान में आपकी संलग्नता भी आरंभ से रही है। श्री नरेश सिरोही जी भारत में गिने चुने जो कृषि विभाग के विद्वान विचारक हैं, व्यावहारिक धरातल पर भी जिन्हें भारतीय सनातन विधा से कृषि का विज्ञान है उनमें से एक माने जाते हैं। और विचित्र तथ्य है कि टिकैत जी के बहुत लाडले प्यारे रहे हैं, किसी प्रकार शासन तंत्र से आर्थिक लाभ उठाए बिना अपने अपना जीवन अब तक व्यतीत किया। अभी इन्होंने बताया कि इनके पुत्र का विवाह था लेकिन 80% अपना समय अपनी प्रज्ञा शक्ति अपनी प्राण शक्ति का उपयोग और विनियोग ये राष्ट्र के लिए करते हैं। लाभ उठाने वाले लाभ उठाते हैं, ये भी लाभ उठाते हैं। अगर उधर लाभान्वित होते तो हरि गुरु की करुणा से कुछ सुदूर होते। इनको आध्यात्मिक लाभ मिल ही रहा है और समाज सेवा में संलग्न रहते हैं, शासन तंत्र में उतनी क्षमता नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो अवसरवादिता का लाभ नहीं उठाते, शासन तंत्र अपना होने पर भी कोई आर्थिक लाभ उठाते नहीं, वे प्रायः शासन तंत्र से उपेक्षित रहते हैं। फिर भी
राष्ट्रभक्ति की भावना से लगे रहते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने प्रमुख जेल हैं सत्याग्रह के संदर्भ में प्राय सब में आप बंद रहे हैं और पूरे परिवार की सहभागिता रही है कि इस काम में आगे बढ़ना चाहिए। मैंने दोनों सरपुरुषों का परिचय दिया। यहाँ प्रसंग चल रहा है कि श्रीधर स्वामी ने पूर्व मीमांसा की दृष्टि से पहले पूर्व पक्ष को यहाँ पर उपस्थापित किया। कल मैंने संकेत किया था पूर्व मीमांसकों में दो प्रकार के विचारक पाए जाते हैं। एक प्रकार के विचारक वे हैं जो ऐसा मानते हैं कि जिनको वेदांती वेदों का शिरोभाग उपनिषद कहते हैं, जिसका दूसरा नाम वेदांत है, उर्वर भूमि में ऊसर भूमि के सदृश है। वह कल उदाहरण दिया था 100 एकड़ का स्वामित्व किसी के पास हो, उसमें कुछ एकड़ भूमि ऊसर निकले, ठीक इसी प्रकार वेदों में जो वेदांतियों के द्वारा शिरोभाग उपनिषद के नाम से विख्यात है, वह वेदों में ऊसर सदृश है तथापि निरर्थक नहीं है, क्योंकि स्वाध्यायो देतव्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समय पर यज्ञों पवित्र संपन्न वेदाध्ययन में अधिकृत हैं। यहाँ स्वाध्याय शब्द का अर्थ होता है अपनी शाखा का वेद, उनका विधिवत अध्ययन करना चाहिए। इस दृष्टि से जिनको कुछ मीमांसकों ने ऊसर सदृश माना वे वेद भाग भी अध्ययन करने योग्य हैं गुरुमुख से, क्योंकि जब तक समग्र वेद का अध्ययन नहीं होता तब तक स्वाध्यायो देतव्य इस विधि वाक्य की पूर्ति नहीं होती। एतावता जो यजुर्वेद माध्यन शाखा का या कांड शाखा का अध्ययन करते हैं गुरुमुख से, उन्हें तो अंतिम अध्याय जो 40वां है जिसमें ईशावास्योपनिषद, जिसका नाम है ईशावास्यम, इस मंत्र से जो प्रारंभ है उसका कोई अर्थ नहीं होता, केवल पाठ में प्रयुक्त विनियुक्त है, लेकिन पाठ में प्रयुक्त विनियुक्त होने के कारण विधिवत जो इसका पाठ करते हैं उनका वेदाध्ययन पूर्ण माना जाता है। निरर्थक होने पर भी उनका पाठ अवश्य करना चाहिए, तभी स्वाध्यायो धेतव्य इस वेद वचन की पूर्ति होती है, अथवा वैदिक वाङ्मय के माध्यम से अपनी शाखा के वेद के अध्ययन का कार्य पूर्ण होता है। दूसरे प्रकार के जो मीमांसक हैं उनका कहना है ऐसा मत कहो, ईशावास्यम इत्यादि का अर्थ होता है। कल हमने बताया निरर्थक होने पर भी सार्थक माने जाते हैं, यह शब्द की अचिंत्य शक्ति है। सावर मंत्र का उदाहरण कल मैंने दिया, सावर मंत्र गुरुमुख से सुना जाता है, संदोबद्ध भी नहीं होता, उसका अर्थ कोई सांगोपांग पक्रमोपसंहार आदि विधा से लगाया भी नहीं जा सकता, लेकिन शब्द की अचिंत शक्ति के बल पर वह फलप्रद होता है। एक उदाहरण भी कल दिया था, सिरवा रे सिरवा तो हर बेगम कहाँ सिरवा सट्ठे सिरवा पालक, ये सब सट्ठे सिरवा ये सब सावर मंत्र है, इसका अर्थ नहीं है कुछ, लेकिन गुरुमुख से जिसको यह मंत्र प्राप्त है वह सर्प के विष को दूर करने में समर्थ होता है। सावर मंत्र का अर्थ न होने पर भी उससे अर्थ की प्रयोजन की सिद्धि होती है, यह शब्द की अचिंत्य शक्ति है। जब लौकिक शब्द में भी इस प्रकार की अद्भुत चमत्कृति है तब वैदिक जो शब्द हैं उनकी चमत्कृति तो कैमुतिक न्याय से सिद्ध है। अतः अर्थ न होने पर भी ईशावास्यम आदि मंत्र स्वाध्यायो देतव्य इस विधि वचन की पूर्ति के लिए अपूर्व की सिद्धि के लिए पाठ करना चाहिए, मीमांसकों का एक वर्ग यह कहता है। दूसरा कहता है
जिसके अनुसार यहाँ पर श्रीधर स्वामी महाभाग ने पूर्व पक्ष उपस्थापित किया है कि ऐसा मत कहो, अर्थ तो होता है, ईशावास्यम आदि का अर्थ तो होता है, परंतु वेदों में वे स्थल वे वचन तो ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं, वे देवताओं की स्तुति में प्रयुक्त और विनियुक्त मान्य है, अर्थवाद है वह। कल उदाहरण दिया था, रानी बिटिया, बेटी रानी तो नहीं है, लेकिन उसकी प्रशंसा में उसको प्रमुदित करने के लिए माता पिता रानी कहाँ गई थी, आ रानी बिटिया कहते हैं, आ राजा बेटा, बेटा राजा तो नहीं है, तो बेटे की बढ़चढ़ कर प्रशंसा की गई राजा कहकर, बेटी की बढ़चढ़ कर प्रशंसा की गई रानी बनकर कहकर, इसका नाम है अर्थवाद। अर्थवाद में जो भूतार्थवाद होता है उसके अतिरिक्त जो अर्थवाद होता है, तो किसी भी व्यक्ति वस्तु की बढ़चढ़ कर महिमा प्रस्थापित करने की भावना से। तो यहाँ पर पूर्व मीमांसकों का जो दूसरा प्रभेद है, वह ईश्वर को यद्यपि नहीं मानता, तथापि वेदों में जहाँ कहीं ईश्वर को सृष्टा कर्ता सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न आदि रूपों में उद्भाषित किया गया है, देवता की स्तुति में ईश्वर परक वचनों का उपयोग और विनियोग है। देवता की महिमा तो अवश्य है, लेकिन उनको ईश्वर कोटि का मानकर उनके विशेष महत्व को ख्यापित करना अर्थवाद है, या पूर्व पक्ष रखा। ईश्वर परक जो वचन है वो सचमुच में देवता की स्तुति में प्रयुक्त और विनियुक्त है। कल मैंने एक वचन उद्धृत किया था, कस्मै देवाय हविषा विधेमा, देवाय और हविषा तृतीय विभक्ति घटित ये दोनों शब्द हैं। इसके आधार पर यज्ञ का संक्षिप्त स्वरूप प्रकट होता है। हविषा हवन सामग्री, हवनीय द्रव्य, देवाय इंद्रादि देव, देव और देव, देव और द्रव्य, द्रव्य और देव, इन दोनों का संवेद स्वरूप ही आग है। यज्ञ क्या है? समर्पण की जाने वाली वस्तु द्रव्य है, समर्पित होने के लिए है। किसके पे समर्पित हो, किनके पे समर्पित हो, तो देवताओं के प्रति। उसमें भी एक विभाग है, देवता को विग्रहवती नहीं मानते पूर्व मीमांसक, यास्क जी को छोड़कर। यास्क जी ने निरुक्त लिखा है, निरुक्तकार यास्क महोदय की दृष्टि में देवता विग्रहवती होते हैं। मैं विग्रहवती क्यों कह रहा हूँ, संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है, हिंदी में पुल्लिंग, इसलिए वो देवता को विग्रहवती मानते हैं। हम कहेंगे विग्रहवान मानते हैं हिंदी की दृष्टि से, देवता विग्रह युक्त हैं यास्क जी के अनुसार, लेकिन सामान्य जो मीमांसक हैं वो देवता को विग्रह युक्त नहीं मानते। इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय, नम मम न मम आदि स्थलों में इंद्र आदि देवताओं का वर्णन किया गया है। वैदिक शब्द में यह चमत्कृति है कि वह तदर्थ देवता का नाम लेकर, केवल देवता का नाम लेकर उनके निमित्त हवनीय द्रव्य का विधिवत आधान करता है, अधिकृत होता हुआ। तो वह शब्द ही मानो देवता का रूप धारण करके उसके योगक्षेम का वहन करता है। वैदिक शब्द की अद्भुत चमत्कृति को ख्यापित किया है पूर्व मीमांसकों ने। उत्तर मीमांसा में भी देवताधिकरणम है, पूर्व मीमांसा में भी देवताधिकरणम है। अंतर क्या है? दोनों में शब्द की अचिंत्य शक्ति का वर्णन है। हमने कहा होगा यहाँ या वहाँ, महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर भू इस वैदिक शब्द का उच्चारण करते हैं, पृथ्वी बन जाती है। वैदिक शब्दों में अर्थ को धारण करने की, अर्थ के रूप में स्वयं को ख्यापित करने की अद्भुत क्षमता है। भू
इस शब्द का स्मरण करते हैं भगवान महासर के प्रारंभ में, तत्काल पृथ्वी बन जाती है। एक दिन हमने कहा था पूज्यपाद गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग ने हमको बताया, ऐसा मत समझो कि गंगा का, दशरथ जी का, राम जी का, दशरथ जी के पूर्वजों का वेदों में जहाँ जहाँ वर्णन है, किसी पर्वत विशेष का वर्णन है, सागर का वर्णन है, इन सब व्यक्तियों और वस्तुओं की संरचना के बाद वेदों की रचना हुई, तब तो वेद अपौर से नहीं सिद्ध हो सकते। तो मानना क्या चाहिए, वैदिक शब्दों में वह चमत्कृति है कि उसके अनुसार घटना घट जाती, वैदिक शब्दों में वह चमत्कृति है कि उन शब्दों के आधार पर घटना घट जाती है, घटना का अनुगमन वेद नहीं करते, वैदिक शब्दों का अनुगमन घटना करते हैं। तो वैदिक शब्द के आधार पर इतिहास की संरचना होती है, शब्द की अचिंत्य शक्ति को समझने के लिए बहुत बढ़िया उदाहरण है। पूज्य गुरुदेव ने एक बार बताया, कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया हुआ है, कल्पना कीजिए वह लालू है, कोई बिहार में ही नहीं, जगह जगह लालू है, लालू की कोई कमी नहीं है भारत। उसकी माता होले होले धीरे धीरे, पंजाबी लोग होले होले बोलते हैं, धीरे धीरे लालू लालू बोलती है, लौकिक शब्द है। अब प्रश्न उपस्थापित होता है, कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया हो, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता हो, तो क्या वह अपना नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? हम लोगों का प्रवचन इन्होंने नहीं सुना होगा, अपने दिमाग से उत्तर ढूंढना चाहेंगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, पागल हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है। जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तो क्या वह अपना नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद अपना नाम सुनता है? अपना नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता, और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता, प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। एतावता लालू कालू जैसे लौकिक नाम में भी अचिंत शक्ति का सन्निवेश है कि जब कोई खर्राटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति होता है, उसका नाम लेकर सगे संबंधी पुकारते हैं, तो नाम में शब्द में सन्निहित अचिंत शक्ति के बल पर वह जग जाता है। लौकिक शब्द में भी अचिंत शक्ति का सन्निवेश है, तो कैमितकर न्याय से यह तथ्य सिद्ध है कि जो वैदिक शब्द में हैं उनमें अचिंत शक्ति का सन्निवेश है। इस संदर्भ में हमने श्री वल्लभाचार्य महाभाग आदि के अनुसार भी उदाहरण दिया, रामचरित मानस के अनुसार भी उदाहरण दिया कि भगवान नाम में स्वतः कोई विकृति नहीं होती, लेकिन अभिमत फल की सिद्धि हो जाती है, अविकृत परिणाम। राम नाम अभिमत फल, चिंतामणि कल्पतरु कामधेन आदि तो स्वर्ग में सुलभ होने वाले पदार्थ हैं, हम तब केवल आस्तिकता के बल पर उनमें आस्था रख सकते हैं, लेकिन राम शिव प्रणव ये सब जो भगवान नाम हैं, ये तो मर्त्यलोक में भी सुलभ हैं। नाम अभिमत फल को देने में समर्थ है। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी और भगवत भक्त पंचम पुरुषार्थ के रसिक पांचों भगवान नाम का आलम्बन लेते हैं। एक बात याद आ गई, पांचवा पुरुषार्थ तो है ही, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन पंचम पुरुषार्थ। चतुर्विधा भजन्ते माम ज्ञानी चकार को लेकर श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने पंचम पुरुषार्थ की सिद्धि की। वृंदावन में छठे पुरुषार्थ की भी बात है, आपके धाम में राधा सुधा निधि, श्री राधा सुधा निधि में राधा जी का जो कैंकर्य है वो छठा पुरुषार्थ है। अच्छा। हाँ, राधा सुधा निधि पूरी टीका सहित पढ़ी हुई है, बहुत बढ़िया टीका है उस पर संस्कृत में, श्री राधा सुधा निधि कार ने तो छठे पुरुषार्थ को भी माना है। तो हमने एक संकेत किया, पांच पुरुषार्थ माने तो, छह पुरुषार्थ माने तो, चार पुरुषार्थ माने तो, भगवान नाम में वो क्षमता है कि स्वयं विकृत ना हो, लेकिन अभिमत फल को दे दे,
इस प्रकार से नाम में शब्द में अचिंत शक्ति का सन्निवेश है, तो देवता भले ही विग्रह युक्त ना हो लेकिन इंद्रादि पदों का जो प्रयोग वेदों में हुआ है उन पदों में वैदिक शब्दों में वह क्षमता है कि तत्तर देवता का नाम लेकर विधिवत अधिकृत व्यक्ति जब उनके निमित्त आहुति को प्रदान करता है तो वैदिक शब्द भी योगक्षेम का वहन कर देता है। पूर्व मीमांसकों की यह धारणा, देवता को विग्रह युक्त नहीं मानते हो। इधर उत्तर मीमांसक देवता को विग्रह युक्त मानते हैं, फिर भी उत्तर मीमांसा में भी शब्द की अचिंत शक्ति को मानने का उत्साह है। उत्तर मीमांसक भी शब्द की अचिंत शक्ति अवश्य मानते हैं। उत्तर रामचरितमानस का वचन हमने उद्धृत किया होगा, जो तत्वज्ञ होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, झूठ भाषण नहीं करते, ऋषि नाम पुनराध्या नाम वाचमर्थो विधावती। एक पुलिस के अधिकारी दिल्ली वाले आए एक बार, अच्छे हैं, उन्होंने पूछा कि महाराज वो जो आपने प्रवचन में कहा था कि सिद्ध पुरुषों की वाणी का अनुगमन विषय करते हैं, सिद्ध पुरुष की वाणी का अनुगमन विषय करते हैं, सिद्ध पुरुषों की वाणी विषय का अनुगमन नहीं करती, जब चाहे तब, हर समय नहीं। लौक में लोकवत्व लीला कैवल्यम, लौकिक व्यवहार का प्राकृत पुरुषों के सदृश ही निर्वाह करते हैं, तथापि अगर चाहें तो सिद्ध महापुरुष घट को पट कर दें तो घट झटपट पट होने के लिए बाध्य हो जाए, पट को पाषाण कह दें तो पट तत्काल पाषाण होने के लिए बाध्य हो जाए, पाषाण को पुष्प कह दें तो तत्काल पाषाण पुष्प होने के लिए बाध्य हो जाए, पुष्प को पानी कह दें तो तत्काल पुष्प पानी होने के लिए बाध्य हो जाए, विश्व सुंदरी अहल्या को कहें पाषाण हो जा अदृश्य हो जा, तत्काल विश्व सुंदरी अहल्या पाषाण अदृश्य हो जाएगी, नहुष को कहें तत्काल सर्प हो जा तो तत्काल सर्प हो जाएगा। सिद्ध महापुरुषों की वाणी का अनुगमन विषय करते हैं, सिद्ध महापुरुषों की वाणी का अनुगमन विषय करते हैं, क्या है महिमा न गा करके भी एक वैचारिक बम दे दिया हमने गुरुओं कृपा से। कालिदास ने लिखा है क्या, क्रिया सिद्धि जो है सामग्री पर निर्भर करती है, सामान्य व्यक्तियों के जीवन में संकल्प के अनुसार क्रिया सिद्धि हो जाती है महापुरुषों के जीवन में। और एक दिन आनंद वृंदावन में विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या की गई थी, पूरी सृष्टि को दो शब्दों में बांधना हो तो ज्ञान और शब्द, ज्ञान और शब्द का संवेद स्वरूप ही सृष्टि है। आर्किमेडिज का उदाहरण मैंने दिया था, आर्किमेडिज वैज्ञानिक ने कहा था पृथ्वी का कहीं केंद्र हमको मिल जाए, भूसूक्तम में पृथ्वी के केंद्र का बहुत बढ़िया वर्णन किया गया है वेदों में, लेकिन आर्किमेडिज ने कहा था कहीं पृथ्वी का केंद्र हमको मिल जाए तो हम पृथ्वी को उठा लें। इसी प्रकार ब्रह्मांड का केंद्र अगर किसी को मिल जाए तो ब्रह्मांड में जब चाहे जैसा परिवर्तन कर सकता है, उसकी निष्ठा कुछ करनी पड़ती है। तो वाक्यपदियम का हमने उदाहरण दिया था, व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है वाक्यपदियम, उसके 1:123 का वचन है, न सोचती प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमा द्विते, लोके कहा गया है व्यवहार साधक ऐसा कोई प्रत्यय या बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुगम ना हो, इसकी व्याख्या आनंद वृंदावन में हम कर चुके हैं। इस तथ्य को जो जानेगा तो दो में ही पूरी सृष्टि का समावेश हो जाता, जैसे आप कहते हैं ना कि ताला है चाबी है खेल केवल इतनी है ना, ऐसे करो तो बंद हो जाए ऐसे करो तो खोल दो, एक ही तो चाबी भी है ताला भी, लेकिन बस ऊपर नीचे का खेल है ना। ऐसे ऋषि मुनि महात्मा जानते हैं कि भौतिक विधा से अभी कोई सृष्टि में अपेक्षित परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, साथ नहीं देते लोग, लगे हाथ ये भी कह दें हिंदुओं का स्वभाव
बलिहारी करो ब्रज में बसबो, ब्रज ब्रज माने भारत। हिंदुओं का स्वभाव, तीन चार प्रकार के हिंदू हमको मिलते हैं, हिंदुओं से ही व्यवहार है विशेषकर। एक होते हैं बड़े भावुक, प्रधानमंत्री आपके पास बालक होके जैसे बैठे, ये आते हैं वो आते हैं, आप संकोची हैं, कह ही नहीं पाते को हत्या बंद कर दीजिए, भला आपकी आज्ञा का टाल को आप पालन नहीं करें, कैसा हो सकता। अत्यंत भावुक हुए, वो नहीं समझते नेता क्या होते हैं। वो कोई चरण पकड़ने आते हैं तो उसका अभिप्राय है आप हमारा चरण पकड़ेंगे या नहीं। आरएसएस के व्यक्ति आवे कि मार्गदर्शन दीजिए तो उसका अर्थ होता है कब मार्गदर्शन लेंगे, मार्गदर्शन दीजिए के नाम पर हम आपको अपनाएंगे, अंत में आपको मार्गदर्शन लेना ही पड़ेगा, और ऐसा फांस लेंगे कि आप भग भी नहीं सकते हैं, दलदल में फंस जाएंगे। कई महापुरुषों को फांसे लिया और निकल भी नहीं पाए अंतिम दम तक। लेकिन ये अत्यंत भावुकों की बात है। दूसरे वो होते हैं जो सुझावों का बंडल पटक जाते हैं। आपको ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना। तीसरे वो होते हैं जो थोड़ी गाली दे जाते हैं, उलाहना कर दे जाते, इतने वर्षों से पद पर हैं, गोहत्या जो के त्यों है, कोई समस्या क्या है पद पर रहने से लाभ। अब लोग एक भी एक करोड़ में एक हिंदू नहीं कहता कि वोटी वोटी गला रहे हैं, हम तो किसको प्रसन्न है, तो ठाकुर जी ने भगवान ने जो दायित्व दिया उसका निर्वाह कर रहे, क्या हम लोग तो यंत्र हैं, तो हमें तो कोई साथ दे ना दे। एक बहुत विचित्र बात है, परमात्मा को जिस व्यक्ति को निमित्त बनाकर जिस कार्य की सिद्धि करनी है उसमें कोई साथ ना दे तो भी सफलता मिलेगी या नहीं। साथ लेने का भरसक प्रयास करना चाहिए, और परमात्मा को जिस कार्य की सिद्धि में जिसे निमित्त नहीं बनाना है उसमें लाखों सहयोगी बन जाए तो सफलता मिलेगी, नहीं ना। एक विचित्र बात है, हमने स्वामी जी को बताया कालिका पुराण के अनुसार, भगवान समर्थ होने पर भी जिस आतंकवादी का वध स्कंद स्वामी कार्तिकेय के द्वारा होना है उसे न शिव जी मार सकते हैं न विष्णु जी, उसके लिए कार्तिकेय ही, और जिसका वध जिसका शमन भगवान शिव के द्वारा होना है समर्थ होने पर भी विष्णु भगवान नहीं मार सकते न मारते हैं, और जिसका वध भगवान विष्णु के द्वारा ही होना है और जब होना है जिस अवतार में होना है ये भी नहीं कि पहले आगे पीछे, तो भगवान भी अपनी बनाई हुई मर्यादा का अनुपालन करते हैं। लेकिन तीसरे कोटि के हिंदू वो होते हैं जो उलाहना दे जाते हैं, अब तक क्या किया बताइए तो सही, शंकराचार्य हो गए आप, आपके होने से लाभ क्या। इनमें से किसी के मुख से नहीं निकलता कि हम अपनी सीमा में कोई सहयोगी बन सकते हो तो बताइए, न तो सहयोग लेने की क्षमता है न सहयोग देने की। तो ऐसी स्थिति में संक्रमण काल में फिर महात्मा लोग क्या करते हैं, ऋषि नाम पुनराद्याणाम वाचमर्थो विधावती, वो फिर सृष्टि का संचालन कहाँ से होता है उसका ज्ञान प्राप्त करके वहीं से परिवर्तन कर देते हैं। क्रिया क्रिया सिद्धि सत्वे, कालिदास ने बताया क्रिया की सिद्धि जो है सत्व, संशय विपर्यय रहित निश्चय संकल्प में है। महापुरुष का संकल्प होता है वो क्रिया सिद्धि के लिए बानक बना लेता है, इसीलिए शब्द में अचिंत शक्ति है। लेकिन हमने कहा कि सृष्टि को समझना हो, घर बैठे भी गुफा में बैठे ही जहां जो परिवर्तन करना हो वो किया जा सकता है, कैसे, ज्ञान और शब्द का संवेद स्वरूप ही जगत है इस तथ्य को समझकर। इसका मतलब उदाहरण हम दिया करते हैं, केवल अनुवाद कर रहे हैं, बहुत आगे चलना है, कल प्रवचन को विराम भी देना है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, संकल्प है विकल्प है निश्चय है स्मृति है गर्व है अंतःकरण चतुष्टय के द्वारा इनकी सिद्धि होती है। संकल्प क्या है, शब्द और ज्ञान का मिला हुआ स्वरूप। विकल्प क्या है, शब्द और ज्ञान का मिला हुआ स्वरूप। निश्चय अध्यवसाय क्या है, शब्द और ज्ञान का मिला हुआ स्वरूप। सामे माता स्मृति क्या है, शब्द और ज्ञान का मिला हुआ स्वरूप। गर्व क्या है, अहंकार, हम धनवान हम जनवान, इसका नाम अस्मिता है। अस्मिता क्या है, अहंकार क्या है, शब्द और ज्ञान का संवेद स्वरूप।
किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन्य संस्कार का योग न होने दें, एक संकल्प नहीं कर सकते। संकल्प भी शब्द विहीन संकल्प का नाम आत्मा है। शब्द विहीन संकल्प का नाम आत्मा है, शब्द विहीन विकल्प का नाम आत्मा है, शब्द विहीन निश्चय का नाम आत्मा है, शब्द विहीन स्मृति का नाम आत्मा है, शब्द विहीन गर्व का नाम आत्मा है। शब्द का अपनोदन कर दीजिए, न संकल्प संकल्प, न विकल्प विकल्प, न अध्यवसाय अध्यवसाय, न स्मृति स्मृति, न अहंकृति अहंकृति, सब आत्मा। आत्मा के परब्रह्म के साथ शब्द जुड़ गया, संसार हो गया। संसार का बीज क्या है? ज्ञान और शब्द, परमात्मा और प्रणव दोनों का साहचर्य। वो जो सांख्यों के प्रस्थान में प्रकृति है, शीतोपनिषद गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, सांख्यों के यहाँ जो प्रकृति है वो वैयाकरणों के अनुसार और वेदांतिकों के अनुसार प्रणव है। वहाँ सत्व रजस तमस है, यहाँ आकार उकार मकार है। राम, एक विचित्र बात है उपनिषदों में, तारक ब्रह्म, ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, तारक ब्रह्म के रूप में दो ही का प्रयोग है, या तो ओम का या राम, तीसरे का नहीं। पूरे उपनिषदों में तारक ब्रह्म जब कहा गया है, तारण भव तारक जो मंत्र उसका नाम है तारक ब्रह्म, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, ब्रह्माक्षर समुद्भवम। तो तारक ब्रह्म के रूप में उपनिषदों में राम या प्रणव का नाम है। तो हमने क्या संकेत किया? पूरी सृष्टि का स्वरूप समझना हो तो शब्द संकल्प के द्वारा व्यक्ति बैठकर भी पूरी सृष्टि में अभिमत परिवर्तन कर सकता है। तो ऋषि महात्मा जब देखते हैं कि संक्रमण काल है, आग लगने पर कुआं खोदोगे तो अग्निकांड से क्या उसका मतलब होगा, तब तक तो स्वाहा हो ही जाएगा, साथ देने वाले साथ देते ही हैं, कोई निराशा नाम की चीज नहीं है। निमाई जी और सिरोही जी, जिस कार्य की सिद्धि के लिए कोई कारक पुरुष हो या साक्षात भगवान ही हो आते हैं, तदनुकूल सामग्री भी वहीं से लाते हैं, यानी सहयोगी। अब वाल्मीकि रामायण और महाभारत पढ़ के देखिए, दोनों अवतारवाद का पोषक ग्रंथ है, इतिहास है। भगवान राम आए तो ब्रह्मा जी ने किनको किनको भेजा, स्वयं भी आए ने जामवान के रूप में, ये सब कोई इंद्र आए, ये सब थे या नहीं। भगवान श्री कृष्ण आए तो धर्म को भेजा, वायु को भेजा, इंद्र को भेजा ब्रह्मा जी ने, और कौन किसको भेजा, पृथ्वी जल के देवता कौन है, नकुल सहदेव अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार के अवतार हैं। अश्विनी कुमार दो होते हैं, उनके नाम होते हैं नासत्य दस्र, नासत्य और दस्र अश्विनी कुमारों के नाम है, नाम अलग अलग हैं, एक साथ रहते हैं, उन्हीं के अवतार, पृथ्वी और जल के अधिदैव के अवतार थे नकुल सहदेव। उसके बाद कौन थे, इंद्र के अवतार, नर ऋषि के अवतार, नर ऋषि भावापन इंद्र के अवतार कौन थे, अर्जुन, वायु के अवतार भीमसेन, धर्मराज आकाश। धर्म, धर्म किससे सिद्ध होता है, शब्द से, शब्द किसका गुण है, आकाश, आकाश और यमराज धर्मराज की एक रूपता, उनके अवतार थे विष्ठिर। तो सबके सब तो आए ना, इसीलिए ऐसा नहीं होता कि सहयोगी के बिना कोई काम ना हो, सहयोगी भी वहीं से बन के आते हैं, केवल उनके हम तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत आगे चलना है, चयन प्रशिक्षण नियोजन, तीन में ही सारा प्रकल्प पूरा हो जाता है। जिन जिन का जन्म संक्रमण काल में स्वस्थ क्रांति के लिए हुआ है, उनमें से कुछ अपनी ओर से आ जाते हैं, कुछ को ढूंढना पड़ता है। परम पादाचार्य भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के पास अपनी ओर से आ गए, मंडन मिश्र जी को ढूंढने के लिए, तोटकाचार्य जी को ढूंढने के लिए, अष्टामलकाचार्य को ढूंढने के लिए कुछ प्रयास भी करना पड़ा, मंडन मिश्र को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास, ये अपने आप आ गए 5 वर्ष की अवस्था में, बहुतों को लाया गया संपर्क से। तो चयन की प्रक्रिया, हम उधर न ले जाए, थोड़ा हमने संकेत किया। आखिर एक विचित्र बात है, लेकिन मनोविज्ञान है, सुन लीजिए आप दोनों, समर्थ होने पर सफल होता है कोई बात नहीं,
फिर मनोविज्ञान है महाभारत का। समर्थता के साथ साथ अमुक कार्य में उसको देवता ईश्वर की ओर से निमित्त बनाया गया है या नहीं, धीरे धीरे बोलता हूं। समर्थता होने पर भी असफलता मिल सकती है। समर्थ तो है लेकिन जिस कार्य में जिसे वहां से निमित्त नहीं बनाया गया है, समर्थ होने पर भी कदाचित वह उस कार्य में हाथ देगा, असफलता हाथ लगेगी। इसके लिए दृष्टांत बहुत बढ़िया है। श्रीमद् भागवत के परीक्षित अंतर है महाभारत के परीक्षित दोनों के शब्द में भी अंतर, विपत्ति में अंतर, अर्थ में अंतर, दोनों कल्प भेद। श्रीमद् भागवत के कौन है परीक्षित, परीक्षलोकन या जो श्रुति है इसके आधार पर परीक्षित का जन्म हुआ गर्भ में कमनीय वर्णी जिस देव ने, श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद ने ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होने से बचाया। गर्भ से बाहर आने पर खेलते कूदते समय कोई भी आता था, परीक्षलोकन वही तो नहीं है जिसने गर्भ में मैंने रक्षा की, वही तो नहीं है परीक्षलोकन। इस विपत्ति के आधार पर श्रीमद् भागवत के परीक्षित का नाम परीक्षित है। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज भागवत के दो विरुद्ध सरीखे वचनों का बहुत उत्तम ढंग से सामंजस्य करते थे। एक जगह श्रीमद् भागवत में आया है चक्र से भगवान क्या उत्तरा के गर्भगत, वही तो प्रकट हो गए प्रजापति चरति गर्भ है, भगवान कहीं से प्रकट हो सकते हैं। चक्र का प्रयोग करके भगवान ने ब्रह्मास्त्र के तेज को समित कर दिया, गर्भगत शिशु की रक्षा कर दी। दूसरी जगह आया है कि गदा का प्रयोग करके, तो ये तीन पंख वाले, आजकल तो चार पांच पंख वाले भी होने लगे हैं ये पंखा, हाँ इनके चार पांच पंख भी होने लगे हैं। तीन पंख वाले, चार पंख वाले जो पंखा है, द्रुत गति से अगर ये चलते हैं तो चक्राकार इनकी विभाजक जो रेखा है वो पृष्ठ, इसीलिए पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे त्वरा पूर्वक द्रुत गति से भगवान ने गदा का इस प्रकार विन्यास किया कि चक्राकार परिलक्षित होने लगा। वो जो छोटे बालक हृदय में भी कोई भयंकर पदार्थ हो, प्राणी हो तो प्रभाव डालता है, कोई मोहक स्वरूप हो प्रभाव डाल देता है, फिर गर्भगत शिशु का चित्त तो लाक्षा के समान द्रवीभूत प्रवाहित वज्र और ब्रह्मास्त्र के तेज से जलते हुए शिशु के हृदय में द्रवावस्थापन्न, उसमें वो भगवान की आकृति जम गई। मोहन बस गयो मेरे मन में, जित देखूं तित वो ही दिखत घर बाहर आंगन में, यह सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की सारी है, मन बिच मोहन है कि मोहन बिच मन है, मन का ही मोहन है या मोहन का ही मन है, ये स्थिति मोहन बस गयो मेरे मन में, जित देखूं तित वो ही दिखत घर बाहर आंगन में। परीक्षित जी परीक्षण करते थे, जब नजदीक आ जाता सब अरे वो नहीं है ये हुआ नहीं, इसीलिए इस विपत्ति के अनुसार परीक्षित। लेकिन महाभारत के परीक्षित ने तो उनका नाम परीक्षित क्षीण प्राय कुरुवंश का जिनके जन्म से संरक्षण हुआ, परिरक्षण की दृष्टि से वो परीक्षित हैं, ये परीक्षित हैं। नाम की विपत्ति भी पृथक पृथक है, क्षीण प्राय कुरुवंश क्योंकि उधर भी समाप्त इधर भी एक ही संतान बीज है ना कुरुवंश के, जिनके जन्म से बच जाने से क्षीण प्राय कुरुवंश की संरक्षा हो गई, रक्षा हो गई, उनका नाम परीक्षित। परिरक्षित से परीक्षित बना है, व्युत्पत्ति अलग है। वहां उन्होंने भागवत की कथा नहीं सुनी, यहाँ भागवत की सब कथा। कल्प भेद हरिचरित सुहाये, ये वचन कहाँ का है रामचरितमानस का, लेकिन मूल कहाँ है आनंद रामायण। आनंद रामायण के वचन को ही तुलसीदास जी ने जो शिव पार्वती का संवाद लिया वो अध्यात्म रामायण से, अध्यात्म रामायण का वचन है उसी का अनुवाद है यह कल्प भेद हरिचरित सुहाये। तुलसीदास जी ने अध्यात्म रामायण से ही संवाद लिया है, जितने मुख्य आध्यात्मिक
वर्णन है रामचरित मानस में वो अध्यात्म रावण के अनुवाद है और भागवत के अनुवाद है। रामचरित मानस पर नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत बहुतों का प्रभाव है, सबसे अधिक प्रभाव है अध्यात्म रामायण का और श्रीमद् भागवत का, ये हमने संकेत किया। फिरत सदा माया के प्रेरे काल कर्म स्वभाव गुण घेरे, सामान्य रामायणी महाभारत को कहीं इसका अर्थ कर दीजिए नहीं कर सकते। जिसको श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंध ग्यारहवा स्कंध श्रीधरी टीका सहित न सदे हो, इस पंक्ति का अर्थ तो नहीं कर सकता है, बच के चला जाएगा। फिरत सदा माया के प्रेरे काल कर्म स्वभाव गुण घेरे, इसका अर्थ नहीं कर सकता। काल क्या है, कर्म क्या है, स्वभाव क्या है, गुण क्या है, माया साक्षात नहीं व्याप्ति है। माया किसके माध्यम से व्याप्ति है, काल कर्म स्वभाव गुण, और एक नियम होता है अर्थक क्रम, पाठक क्रम में कौन बलवान होगा, पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है। फिरत सदा माया के प्रेरे काल कर्म स्वभाव, लेकिन भागवत के अनुसार अर्थक क्रम में ढालेंगे, काल के बाद स्वभाव होता है, स्वभाव के बाद कर्म होता है, आगे है गुण। काल कर्म स्वभाव गुण, माया साक्षात नहीं व्याप्ति, कार्यान्वय होती है, वो तो काल स्वभाव कर्म और गुण के माध्यम से व्याप्ति है। काल के बाद में क्या होता है, स्वभाव काम करता है, स्वभाव के बाद में कर्म काम करता है। बहुत अच्छा उदाहरण है, एक कोई माँ है दूध को गर्म करती है, कल्पना कीजिए उसमें अम्ल पदार्थ उचित मात्रा में खटाई डालती है, ठीक है। अम्ल पदार्थ डालने से क्या होता है, दूध के परमाणुओं में क्षोभ हो जाता है, खटाई डाल करके ढक देती है। काल ने क्या किया, काल का उदाहरण, वो अम्ल पदार्थ ने क्या किया, परमाणुओं में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। उसके बाद कौन सा पदार्थ काम करता है, स्वभाव। स्वभाव किसको कहते हैं, काल के द्वारा क्षुब्ध पदार्थ को, कारण हो तो या कार्य हो तो, प्रलय काल में कार्य कारण की ओर जाता है और सर्ग काल में जो कारण है वो काल की ओर बहता है, आरोह और अवरोह क्रम है। स्वभाव क्या करता है, वो क्षुब्ध पदार्थ को कार्योन्मुख करता जाता है, स्वभाव का काम। कर्म क्या करता है, उसको अंतिम परिणाम दे देता है। किसी माता ने दूध को गर्म किया, उचित ढंग से जामन भी डाल दिया, जिसको कहते हैं ढक दिया, अब धीरे धीरे वो परमाणु तो क्षुब्ध हो ही गए, वो दधि बनने की ओर उन्होंने क्या किया, क्षुब्ध दुग्ध को प्रेरित किया। अगर वो ब्राह्मण निमंत्रित है, उन ब्राह्मणों के मुख में दही जाना हो तो दही जम जाए, न जाना हो तो खोलो जमे नहीं दही। ये क्या किया, भोक्ता के प्रारब्ध ने भी वहां जाके काम कर दिया, वो कर्म है। भोक्ता के प्रारब्ध ने जाके क्या किया, दही जमने दिया, मुख में नहीं जाना हो तो नहीं जमने दिया। तो काल स्वभाव फिर कर्म, क्षुभक पदार्थ का नाम होता है काल, क्षुब्ध पदार्थ को अवसर के अनुसार कार्योन्मुख या कारणोन्मुख करने वाला जो तत्व होता है श्रीमद् भागवत के तीसरे और ग्यारहवें स्कंध के अनुसार होता है स्वभाव, और अंत में उसको अंतिम अभिष्ट परिणाम का रूप दे देने वाला होता है कर्म। तो हमने संकेत किया सज्जनों, तो प्रकरण ये चल रहा था कि परीक्षित वहाँ के महाभारत के अलग, मृत्यु से बचने का प्रयास करना चाहिए और मृत्यु अनिवार्य है, हृदय में यह ज्ञान भी रहना चाहिए। दोनों भक्त पिता आदि बीमार पड़ गए थे, थोड़े पिताजी मरना तो है ही, क्या चिंता है, नहीं अंतिम क्षण तक जब तक बन गए प्रयास कीजिए, मृत्यु से बचने का प्रयास कीजिए। और देहेन सह जायते जन्मताम, जिनका जन्म हुआ है, मृत्यु के जन्म तिथि तो वही है ना जो शरीर की जन्म तिथि है, एक दिन यही कहा था, अंग्रेजी वाले कहते 5 years old, जितना मरना था जितना बुढ़ा होना था, बेचारे संकोच बस कहते हैं ओल्ड कहते हैं। 5 वर्ष पुराना माने 5 वर्ष की आयु समाप्त हो गई, 5 वर्ष मर चुका। मृत्यु के जन्म तिथि क्या है जी, जो शरीर की जन्म तिथि है वही मृत्यु की जन्म तिथि है। अंतिम मृत्यु का दर्शन जब होगा, प्रतिक्षण सावयव पदार्थ में मृत्यु तो है, देहेन सह जायते, कंस को समझाया वसुदेव जी ने, तो हमने संकेत किया मृत्यु से बचने के लिए क्या किया,
मंत्रिकों को बुलाया, देखिए मंत्र शक्ति, एक ऐसे भवन का झटपट निर्माण होना चाहिए जिसमें तक्षक की पहुंच ना हो। साप दोनों जगह है, एक जगह गंगा के तट पर, श्री गंगा जी के तट पर जाकर भागवत कथा सुनने का उपक्रम है, दूसरी जगह भवन बनाने का। ऐसा सर्परोधक भवन बना दिया गया मांत्रिक ढंग से जिसमें किसी भी नाग सर्प आदि की पहुंच ना हो सके। पर्यायवाचक होने पर भी महाभारत के अनुसार नाग और सर्प में अंतर है। नाग स्वभाव बस वाणी जिसको कह रहे थे, व्रत भी अर्थ होता है, स्वभाव भी अर्थ होता है, प्रतिज्ञा भी अर्थ, व्रत और स्वभाव दोनों के अर्थ में। तो सर्प जो होता है स्वभाव से भी डस लेता है, नाग बिना आज्ञा के नहीं डसता। दोनों में कहीं कहीं पर्यायवाचक होने पर भी सर्प में और नाग में महाभारत में अंतर है। तक्षक डसेगा, तक्षक सर्प नहीं था, नाग था, साप दे दिया ना। स्वप्रेरित या परप्रेरित डसने वाला जो होता है वो सर्प की विशेष जाति का नाम है नाग। फिर कथा कहेंगे तो कथा ही बहुत बड़ी हो जाएगी, समेटना भी है। जो जो थे नल, एक सर्प उनको दिखाई पड़ा, पत्नी का वियोग हो गया था, विक्षिप्त होकर घूम रहे थे, राजश्री से च्युत थे। इतने में देखा कि दावानल कुंड एक सर्प चिल्ला रहा था, कोई कोई क्षत्रिय वीर बचाने वाला दयालु, मैं अजगर हूँ, अपनी ओर से भाग नहीं सकता, बचाने का प्रयास करे। जाके पावन फटी बीमारी सो क्या जाने पीर पढ़ाई। नल ने कहा हमारा दुख तो अपनी जगह, इसके दुख का निवारण कर सकता हूँ, क्या है भाई हमको उठा करके इस जंगल में जो आग लगी है दावानल के चपेट से कुछ दूर ले जा। अरे भाई मैं दैव का मारा हुआ हूँ, दुर्बल हूँ, तुम बहुत विशाल शरीर वाले हो, ऐसा है ना कि तुम उठाने का प्रयास करो ना, जितनी तुम में क्षमता है उतने भार का मैं बन जाऊंगा, कोई बात नहीं। उठा लिया, सुरक्षित स्थान पर रख दिया। अब उसने क्या कहा, जरा गिनती तो करो, यहाँ तो 1-2 कहेंगे, 10 पर क्या कहेंगे, 10, वहाँ कहेंगे 10, 2 और 2 का भेद हो जाता है 10, 10, 10, 10, हिंदी में 2 को 2 कह दे, 10, काट लिया। देखिए काटते ही वो बौना हो गए। नल विश्व सुंदर थे, विश्व में उस पुरुषों में सुंदर थे नल, इधर रामावता, इधर जो पांडवों के यहाँ नकुल सहदेव में थे, नकुल विश्व सुंदर थे, यहाँ नल विश्व सुंदर थे, और दमयंती विश्व सुंदरी थी, कुरूप हो गए, बौना हो गए। उन्होंने कहा परो उपकार का फल यही, मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की, एक ईश्वर की कृपा से रूप तो बचा था, शरीर तो बचा था, तुमने अभद्र शरीर बना दिया, बौना बना दिया, ये तुमने कृतघ्नता का परिचय दिया। अब कोई व्यक्ति तुम जैसे संकटापन्न प्राणी की रक्षा करेगा, वरदान है ये, तुम अपने आप को नल इस स्वरूप में रखते जिस रूप में थे, पकड़े जाते फिर जुआ के नाम पर तुम्हें भाई हरा देता, मैंने तुमको डस लिया है, तुम बौना हो गए, कुरूप हो गए, अब जहाँ कहीं जाकर चाकरी करके जीवन यापन कर सकते हो, उचित अवसर पर मैं एक वस्त्र दे रहा हूँ, मैं एक वस्त्र दे रहा हूँ, जब तुम्हें अपने स्वरूप को प्रकट करने की आवश्यकता हो, दमयंती प्राप्त हो जाए, लेकिन दमयंती के मन में यह हो कि मेरे पति हैं या नहीं, आकृति को लेकर भेद है, प्रकृति की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर भी आकृति की दृष्टि से उसके पातिव्रत का प्रश्न आ जाए, इस चादर को ओढ़ लेना, पूर्वक तुम्हारा शरीर हो जाएगा, तो तुमने हमसे गिनवाया क्यों। उन्होंने कहा नाग हूं ना, स्वप्रेरित या परप्रेरित ही मैं दसता हूं, दस कहा छद्म रूप मैंने, छद्म पूर्वक सही तुमसे आज्ञा मैंने ले ली, शब्द के द्वारा दस, हमने दस लिया कि तुम्हारे लिए वरदान हो गया। तो हमने अच्छा ये जो मैंने दसा है
ये विष तुमको नहीं व्यापेगा, तुम्हारे शरीर में जो घुसा हुआ कलयुग है जिसको दमयंती सुलभ नहीं हुई इसलिए तुम्हारे पीछे लग गया है। बुरा न मानो, होली है, मन देवता शांत रहो। एक महानुभाव तीन पीठ के संत होना चाहते थे, दो पीठ के तो हो गए थे। नरसिंहराव का शासन था, मनोविज्ञान उनका था कि हमारे पूर्वाचार्य जी की आयु ज्यादा थी, जीवन काल में वो कोई उत्तराधिकारी बनाएंगे नहीं इस पद पर, यहाँ तो रिटायरमेंट है नहीं ना शंकराचार्य के पद पर, यहाँ तो नहीं है ना, कोई स्वेच्छा से कोई त्याग दे बात वो अलग बात है। तो उनका शरीर पहले पूरा होगा नरसिंह राव आदि को, लेकर तीसरा गद्दी भी मेरे पास है, जो प्रथम शिष्य से उनसे सौदा तय हो गया था, पूर्वाचार्य महाराज के दंडी स्वामी प्रथम शिष्य गुजरात के दत्तात्रेय दत्त दत्त योगेश्वर सौदा तय हो गया। ठीक, अंत में क्या हुआ, अब दैव योग से होना तो वही होता है, उनके हमको गुप्त रीति से बुला लिया, स्वास्थ्य देखने के नाम पे घेर के अभिषेक कर दिया, अब मैं क्या करूं भाई, मैं तो बच रहा था 2 साल से। अब उनके मन में जो तीसरे पद को प्राप्त न करने का द्वेष हुआ, उसका निर्वाह अब तक हो रहा है मेरे साथ, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, समझ ले, अब मैंने क्या बिगाड़ा भाई, वो कलयुग बन ठंग के आ रहा था तब तक दमयंती ने नल का वरण कर लिया, जो देवता नल बन के बैठे थे दमयंती ने कहा कि इनमें से एक मनुष्य नल है जिनके प्रति मैं समर्पित हूँ, यहाँ 2 और आ गए अग्नि आदि बैठ गए थे ना, वही नल का रूप धारण करके मेरे पातिव्रत का प्रश्न है, राज कौन होती है, राज ये जो राजकन्या होती है स्वयंवरा होती है, केवल क्षत्रिय कुल की कन्या के लिए स्वयंवर होता था, ब्राह्मण वैश्य आदि के लिए नहीं, स्वयंवरा केवल राजकन्या होती थी अन्य नहीं। 2 देवता प्रसन्न हो गए, तुमको हम भी चाहते लेकिन तुम्हारे पातिव्रत की रक्षा के लिए हम कहते हैं कि हम अग्नि हैं अमुक हैं, सचमुच में ये नल है मनुष्य, इन्हीं के गले में जाले माला डालो। प्रसन्न हो गए, जो दूल्हा बनने के लिए आए थे उन्होंने वरदान दे दिया, अब जा रहे थे कलयुग बंठन के आ रहा था, बहुत विलंब हुआ, कहाँ जा रहे स्वयंवर में, वो तो सब हो गया, फिर कलयुग ने अकारण वैर मान लिया नल से, नल ने उसका क्या बिगाड़ा था भाई, उनके पीछे पड़ गया। अब सदाचार की बात से एक बात कह दें, कलयुग जैसा गुप्तचर 12 वर्षों तक नल के पीछे पड़ा रहा, हम लोगों के शरीर में कितने भूत प्रेत हो सकते हैं कल्पना मत कीजिए, भूत प्रेत नहीं है लेकिन व्यभिचार की बात छोड़ दीजिए, सामान्य सदाचार में भी शौचाचार में भी कहीं त्रुटि आवे तो घुस जाओ, और तो कुछ नहीं, त्वरा के कारण मूत्र त्याग के बाद हाथवा धोया आचमन किया, एड़ी का हिस्सा कुछ धोने में बच गया, उतनी अशुद्धि, अभी तो स्नान घर और शौचालय का कोई कुछ विवाद कई रेखा नहीं है, एक एक व्यक्ति के जीवन में कितने भूत प्रेत लगते होंगे कह नहीं सकते, अब तो कुछ विवाद कई रेखा नहीं, मान्यता भी नहीं है, लेकिन देखिए एड़ी पर जल का निक्षेप नहीं कर सके, इतनी सी भूल समझ करके कलयुग घुस गया। अंत में क्या कहा उस तक सर्प ने, वो जो मेरा विष है वो कलयुग को जलाता रहेगा, दग्ध करता रहेगा, तुमको कट नहीं देगा, तुम तो बौना हो गए, कुरूप हो गए, अवसर आने पर प्रकट हो जाओगे। तो हमने एक संकेत किया सर्जनों, अब तक्षक नाग से बचने के लिए भवन बनाया गया महाभारत मांत्रिक भवन, जिसमें सर्प का नाग का प्रवेश न हो सके। अब देखिए ये क्षत्रियत्व, 7वां दिन था, सूर्य अस्तंगत होने वाले थे, अब दुविधा देखिए महाभारत के परीक्षित की, मैंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए उपाय तो कर लिया, मांत्रिक ब्राह्मणों का योग लेकर, उस ब्राह्मण कुमार का क्या होगा, मैं तो जीवित रहूंगा लेकिन शाप दे दे कोई, उसका शाप सामने वाले पर कारगर न हो तो नरक में जाता शाप देने वाला, एक और जीवन का व्यामोह है, एक और ब्राह्मण मरने के बाद नरक में न जाए, देखिए ये धर्म निष्ठा है, शाप देने वालों के प्रति भी अनुग्रह है,
वो तो बाल गोपाल था साहब, दे ही दिया दे दिया, बच्चा सर्प काट ले तो बुढ़ा सर्प काट ले तो सर्प ही है, ब्राह्मण बालक था तेजस्वी था। अब प्राण की रक्षा और ब्राह्मण की प्रतिज्ञा की रक्षा, इधर प्राण का व्यामोह है उधर ब्राह्मण की प्रतिज्ञा टूट जाएगी, साप जो देता है उसका साप न लगे तो नारद जी ने कहा ना दही हों साप की मरी हों जाई, भगवान विष्णु समर्थ हैं क्या पता साप न ले, साप न ले। अब मेरी प्रतिभा से चिरकर महामहोपाध्याय के सुपुत्र जिनके पोता वो खामखा साप दे के पार्सल भिजवा दिया मेरे पिताजी के मित्रों में थे कि उसको कह देना वो पागल हो जाएगा मेरे लिए, मैंने तो कोई अपराध ही नहीं किया, मेधा शक्ति भगवान ने दी, एक मानसिक तांत्रिक जो उस सिद्धि में लगे रहते दिन रात हमारे पिताजी के मित्रों में थे, पिताजी चल बसे थे, उन्होंने भी साप भिजवा दिया पार्सल। और हमने सोचा कि साप नहीं लूँगा, ये सब नरक में जाएंगे एक नंबर के पंडित विद्वान, और साप लूँगा तो पागल होना भी मुझे अभीष्ट नहीं है, मुझे तो बाबा होना अभीष्ट है। तो मैंने बिल्कुल उस साप को आवाहन किया कि अंदर मत व्यापना बाहर व्यापना, रोना छाती पीटना अब मैं नहीं रहूँगा, पागल के सारे लक्षण आ गए बाहर, अंदर से स्मार्ट पर चल पड़े, उनका साप भी पूरा हो गया, हमारा बाबा होना का भी प्रारंभ पूरा हो गया, दोनों हो गए। तो अब वो सोच रहे थे कि यहाँ जीवन का व्यामोह प्राणों का व्यामोह वहाँ प्रतिज्ञा, अब कौन प्रबल हो कौन दुर्बल, पौरुष करके मैंने तो प्राणों की रक्षा कर ली, लेकिन उस ब्राह्मण बालक का क्या होगा जिसका साप मुझे नहीं लगेगा। भगवान विष्णु ने साप क्यों स्वीकार किया, इनको नरक न जाना पड़े बाबा जी को, इसलिए ना उसी से उस साप से लीला हो गए कृष्ण रामावतार का मार्ग, श्री रामावतार का मार्ग, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, सब हो गया। अब ये सोच ही रहे थे उधर मस्त मौला तक्षक आ रहा था छद्म वेश धारण करके, उधर कश्यप ऋषि मांत्रिक आ रहे थे, मैंने जो विषय उठाया सामर्थ्यता ही पर्याप्त नहीं है, निमित्त भी है या नहीं, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन और निमित्तानि तपस्यामि विपरीतानि केशव, मैं विषाद भले ही कर लूं सिर भले ही पीट लूं लेकिन निमित्तानि च घटनाएं ऐसी घट रही हैं कि मालूम पड़ता है इस संभावित नरसंहार में आपने और मेरे प्रारब्ध ने मुझे को निमित्त बना रखा है, निमित्तानि तपस्यामि बहुवचन अनिमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। आ रहा था कश्यप छद्मवेश धारण करके मांत्रिक श्रवण कश्यप जी आ रहे थे, दोनों का यह मार्ग में सम्मेलन हो गया, ये दोनों का मार्ग में सम्मेलन हो गया, चलते चलते कहाँ जा रहे पंडित जी, आज वो तक्षक काटेगा ना साफ है ना, तो मैं जाऊंगा और मैं इतना बड़ा मांत्रिक हूँ कश्यप नामक ब्राह्मण हूँ दिला दूंगा, फिर क्या होगा, अरे हम ब्राह्मण है खूब दक्षिणा क्या कह जाए, यजमान भेजो यमुना जी चक है जाए बस चक है जाए, खूब दक्षिणा मिलेगी और क्या, ब्राह्मणों को तो पांव छू लीजिए कुछ दक्षिणा दे दीजिए मीठा पवा दीजिए बहुत अच्छा। तक्षक ने सोचा कि देखो ये तो नहीं जान रहे कि मैं ही हूँ, अच्छा पंडित जी सचमुच में ब्राह्मण देवता आपकी योग क्षमता है, हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि सचमुच में तक्षक जब काटेगा तो जल जाएगा राख हो जाएगा, विष ही नहीं लगेगा वो तो स्वाहा हो जाएगा, भयंकर सर्प होता है नाग होता है वो, उसको भी जले हुए नहीं राख हुए को जला देंगे दिला देंगे हम जला दूंगा, मुझे विश्वास हो जाए महाराज। एक बहुत बहुत विशाल बटका वृक्ष था उस पर लकड़ हारा कुल्हारी के सहित था, एक शाखा को सूखी शाखा को मान लीजिए काट रहा था, का इसको अगर कोई डस के राख कर दे तो यथावत आप बना सकते हैं, हाँ यथावत लकड़हारा फिर जी जाएगा, हाँ जहाँ है वही उसके कुठार लोह भस्म नहीं बनेगा फिर कुठार का कुठार। तो बुरा ना मानिए मैं ही तक्षक हूँ, मैं डसने जा रहा हूँ छद्म रूप में हूँ तो यही दोनों की परीक्षा हो जाए फिर क्या है। तक्षक ने डसा बकौल वो विशाल वट वृक्ष शाखा पर शाखा सहित वो लकड़ हारा के सहित उसके कुठार के सहित राख
पाला पड़ा। कश्यप जी ने सोचा हाँ परीक्षित के सामने क्या टिकेगा, परीक्षित तो एक लकड़हारे के समान हुआ, इतना विशाल वट वृक्ष को तो क्षण भर में भस्म कर दिया। उन्होंने अपने मंत्र का प्रयोग किया, यथावत वट वृक्ष ज्यों के त्यों। हम लोग महाभारत कथा केंद्र खूब भीड़ हो और गीता की कथा केंद्र श्रोता बस सर राधे राधे बस श्याम मिला दे। और तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप समर्थ तो हैं, अब ये जो मैं कह रहा हूँ मनोविज्ञान गुप्त रीति से मैं दोनों को श्री राम जन्मभूमि को लेकर जो आगे होना है संकेत कर रहा हूँ सावधान। पंडित जी आपकी शक्ति मैंने देख ली और मेरी शक्ति आपने देख ली, हम अपनी जगह समर्थ आप अपनी जगह समर्थ। शाप तो यूं सार्थक हो जाएगा कि मैं डसूंगा तो राख हो जाएगा, जल जाएगा, मर जाएगा, लेकिन आपका मंत्र यूं सफल हो जाएगा क्योंकि फूट पूर्व वध कर देंगे तो ऋषि कुमार नरक में भी नहीं जाएगा, परीक्षित जीवित भी हो जाएगा। लेकिन बताइए तो ज्योतिषी है या नहीं, मानसिक तो मैंने जान लिया ज्योतिषी भी है या नहीं, आप दिव्य दृष्टि से देखिए कि यह जो जन्म परीक्षित को प्राप्त हुआ है परीक्षित कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझ तक्षक नाग के डसने से ही उसका पूर्ण मरण है, मार के सामान नहीं। अब ये जो कैसा प्रश्न कर दिया तक्षक ने, तो ज्योतिषी भी थे एक नंबर के थे, कालदर्शी थे, कश्यप भी ठहरे वहां पर, यानी लिखा है कश्यप महर्षि कश्यप नामक ब्राह्मण ऐसा लिखा। कश्यप ऋषि के परंपरा के नागवाग होते हैं लेकिन कश्यप ऋषि छोड़ दें तो कश्यप नामक ब्राह्मण मानसिक तो थे ही, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा सचमुच में हल्का फुल्का मार्केश नहीं, इस जन्म में जो परीक्षित है वो तक्षक के डसने पर ही उसके इस शरीर का प्रारब्ध पूर्ण होगा, कोई अब जिला नहीं सकता। तब कहा महाराज फिर हंसी करानी हो तो चलिए मैं काटूंगा, मेरा प्रभाव तो जो कहते हो जाएगा वो तो साफ है उसका, और मेरी शक्ति आपने देख दी, अब आप जब सारी शक्ति लगाने पर जिला नहीं सकेंगे तो आपकी तोहनी हो जाएगी आजकल की भाषा में, आपकी तो सारी मानसिक विद्या समाप्त, यश नहीं होगा। कहा भाई तुम जीते हमारे, तो फिर आप तो धन के लिए जा रहे हैं, मैं तक्षक नाग हूँ, सामान्य जो तीन चार मिनट सामान्य जो नाग होता है संपत्ति उसके पास पर्याप्त होती है, सच्ची घटना है, जन्मभूमि की बात है, एक अमरूद का पेड़ था प्रांगण में, तो चाची जी रात्रि में कभी 2 बजे उठी होंगी, होता है मलमूत्र का वेग, मूत्र का वेग, मैं 12 बजे तक पढ़ता था, 5 बजे से फिर पढ़ता था, दूसरी तीसरी कक्षा में भी, चौथी कक्षा में, उन्होंने देखा कि एक सर्प आता है इतना बड़ा लगभग इतना मोटा, वो मणि को मुख से रखता है, मणि के प्रकाश में वो अमरूद के पास जो घास आदि जमे थे कीड़े होते थे उनको खा लेता है, पेट भर जाने पर फिर वो मणि को मुख में लेकर चंपत हो जाता है। चाची जी ने हमको कहा देखो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बाहर से भले ही करोड़ों रुपये नहीं लाखों रुपये नहीं, लेकिन देवता का अनुग्रह है कि हमारे यहाँ मणिधर सर्प रहता है, हम तो बच्चे थे अरे 12 बजे तो जगते थे बिना घड़ी के, घर में घड़ी नहीं तुम दिनों कहाँ घड़ी वड़ी की बात, हम जगे रहे, चाची आदि सब उन दिन नहीं उससे सोई हुई, मैंने देखा कि जरूर सर पाया, वो जैसा कहा तो वैसे हुआ, हम तो बच्चे थे, बस रात बीती मित्रों के साथ खेलने में, मैंने बता दिया भूप नारायण आदि, उन्होंने कहा बस वो 2 साल में से बड़े थे सहपाठी, उन्होंने कहा ये करेंगे काम, एक पात्र में गोबर भर लेंगे, छिप के रहेंगे, मणि के प्रकाश में सर्प जाएगा चरने, जब उसका मुख उधर होगा मणि को ढक देंगे परात सद गोबर से, सर्प आएगा मणि नहीं दिखाई पड़ने पर सर्प अटक के मर जाएगा, हमने कहा आगे क्या होगा, मणि तुम ले लेना, हमने कहा तुम ही ले लोगे उस समय,
हम ले या तुम, ये तो बात छिपी नहीं रहेगी, हम दोनों मारे जाएंगे, डाकू ले लेगा, तो सर्प जो मरेगा हम मरेंगे तुम मरेंगे, मैत्री भी टूटेगी। इसलिए भाई देवता को नमस्कार, भगवान ने सर्प का दर्शन करा दिया। अब प्रतिज्ञा करो कि रात के 2 बजे 1:30 बजे मेरे घर में नहीं आओगे, आओगे तो तुम यकीन बिना नहीं रहोगे, ये हो गया ना। तो तक्षक ने कहा आप तो धन के इच्छुक है ना, वो दक्षिणा हमसे ले लीजिए, परीक्षित जितने देते उसे 10 गुनी दक्षिणा ले लो, पंडित जी जाओ। तो हमने क्या कहा सज्जनों, समर्थता ही पर्याप्त नहीं है, भगवान विष्णु समर्थ थे, लेकिन जिन आतंकवादियों को जिन्हें मारना था, स्कंदर स्वामी को मारना था तो, शिव जी को मारना था तो, उसमें हाथ नहीं लगाते थे, बानक बनाते थे, त्रिपुर वध, उसको जिस शिव जी मारते ये तो नहीं मारते, तो सार ये निकला। इसी प्रकार से समझना चाहिए, समर्थता ही पर्याप्त नहीं है, समर्थता के साथ निमित्त भी आवश्यक है। भगवान ने अभी सब प्रतिकूल परिस्थिति दिखाई पड़ने पर भी, श्री राम सेतु आपके सामने, सारी प्रतिकूल परिस्थिति दिखाई पड़ने पर भी अनुकूलता तक पहुंचाने की यह विधा है हर हर महादेव।